सर ये जो यहाँ पे फाउंडेशन निकाले थे तो भाग में आए आप सर यहाँ पे देख लीजिए फाउंडेशन को शक्ल से लग रहा है आपको ये फाउंडेशन नहीं है ये सिंपली खड्डा है ये फाउंडेशन ऐसा नहीं होता है फाउंडेशन के लिए भैया 4x4 का 5x5 का होता है ये तो एक ही बकेट का है खड्डा दूसरी चीज यहाँ पे ये स्लोप हो गया है ये ऐसे करके इधर निकल गया है अगर चौड़ा है तो इधर एक ही बकेट पक गया है ऐसा फाउंडेशन नहीं होता सही फाउंडेशन क्या होता है इसी को आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ ये आपका सीधा होना चाहिए हल्का सा बड़ा होना चाहिए और स्क्वायर में दिखना चाहिए तब ना मजा आएगा अभी जो है क्या नाम हुआ आपका कहाँ के रहने वाले हैं आप ये बिहार पटना से आए हमारे पास एक्सेलेटर मशीन पे ट्रेनिंग लेने के लिए और यहाँ पे ये फंक्शन निकाल रहे थे गलत तरीके से अभी मैं इनको जो है सही तरीका करके दिखाऊंगा किस तरीके से सही फाउंडेशन होता है ठीक है ना कौन से देखेंगे आप थोड़ा सा आप दूर से लेंगे वीडियो आज जो है ना जब यहाँ सामने का मिट्टी मैं निकालूंगा जब सामने का मिट्टी मैं कैसे निकालूंगा उधर से आकर के ठीक है ना और जब मैं यहाँ पे साइड कटिंग करूँगा तो यहाँ पे आके इससे लीजिए अलग अलग पोजिशन से ले लो जब मैं उधर लूँगा तो वहाँ से लेना होगा ठीक है
ये आप ये वाला फाउंडेशन का शक्ल लग रहा है कि पहले लग रहा था? एकदम रियल बताना लग रहा है सर, अभी लग रहा है ना बिल्कुल? पहले कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा है पहले वहाँ पर खटक किए हैं आप, लेकिन अभी देखो तो प्रॉपर सेफ है बिल्कुल, अस्पताल में लग रहा है आपको? सर यहाँ फोकस करें आप, यहाँ पे देखिए किस तरीके से बिल्कुल फाउंडेशन एक्सपायर में लग रहा है आपको, देखिए बिल्कुल ये एक्सपायर में। इसी तरीके से आपको बिल्कुल फाउंडेशन निकालना है, जिस तरीके से मैंने अभी इनको सिखाया बताया बढ़िया से, उसी तरीके से सभी को बताते हैं और सिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फाउंडेशन है सर, ये देखिए ये लाइन भी आपको बिल्कुल सीधा लग रहा होगा और ये लाइन भी सीधा है ऐसे, एंड ये लाइन भी सीधा है। सामने हल्का फुल्का मिट्टी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे बस आपका लेबल होना चाहिए, मिट्टी जो है उतना लेबर निकाल सकता है। अब यहाँ पर देखिए काम चल रहा है, अभी उसको बोले हैं कि वो मेरे जैसा काम करके दिखाए, मेरे से बेहतर निकाल के दिखाए, अभी देखते हैं वो कैसा निकालता है। और सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं जेसी मशीन पर ट्रेनिंग हो रही है, तो आप बिल्कुल डिस्प्ले पे नंबर इस पर कॉल करके जानकारी लें। इसे आपको नंबर बता देता हूँ 9431374996, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और आप डायरेक्ट मेरे से बात करना चाहते हो, मेरा नंबर है 6268-3652, तो ये दोनों नंबर पर आप कॉल करें और डिटेल में जानकारी लें, संतुष्ट होकर के हमारे यहाँ आए और कामयाब हॉस्पिटल बने। थैंक यू।